मैं पूजा पीतलिया गुरुकुल एकेडमी से आपकी हिंदी टीचर आज आपको क्लास फोर्थ का हिंदी व्याकरण का सेकेंड लेसन पढ़ाऊंगी वर्णमाला। वर्ण नीचे दिए गए चित्रों के नामों का उच्चारण कीजिए। ऊंट, गुलाब, संतरा। ऊपर ऊंट, गुलाब और संतरा तीन शब्द दिए गए हैं। इनका उच्चारण करते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। यहाँ प्रयुक्त ध्वनियां नीचे दी गई है। इसे ऊंट उ प्लस अह प्लस ट प्लस अ, गुलाब ग प्लस उ प्लस ल प्लस आ प्लस ब प्लस अ, संतरा स प्लस अ प्लस त प्लस अ प्लस र प्लस आ संतरा। ऊपर लिखी ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। वर्णों का क्रम व समूह वर्णमाला कहलाता है। अब है वर्णों के प्रकार। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। स्वर, पहला, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। इन्हें बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं हिंदी भाषा में? 11 स्वर होते हैं। अब इसमें आएगा अयोग वाह, है ना। अहम क्या बोलते हैं? अनुस्वार। अ चंद्रमा अनुनासिक तथा अह विसर्ग अयोगवाह कहलाते हैं। इनका प्रयोग अन्य स्वरों के समान व्यंजनों के साथ किया जाता है। जैसे स्वर के ऊपर लगने वाला बिंदु अहम अनुस्वार कहलाता है। जैसे रंक, पंख, रंग, शंख आदि। स्वर के ऊपर लगने वाला चंद्र बिंदु अनुनासिक कहलाता है। जैसे आंख, हंसना, चांद, दांत आदि। स्वर के साथ लगने वाला बिंदु विसर्ग कहलाता है। जैसे दुख, अतः, प्रातः आदि। हलंत स्वर रहित व्यंजन हल से दर्शाया जाता है, जबकि स्वर युक्त हो जाने पर यह अक्षर हो जाता है। जैसे क स्वर रहित क प्लस अ बराबर क स्वर युक्त। मात्राएं व्यंजनों के साथ जुड़ने पर स्वरों का रूप बदल जाता है, इन्हें मात्रा कहते हैं। स्वर की मात्राएं नीचे दी गई है। जैसे अ आ ई बड़ी की मात्रा, ऊ की मड़ा, ऊ की मात्रा, डिस ऋषि, ए आई ओ औ, है ना। हिंदी वर्णमाला में 10 मात्राएं होती है अयोगवाह को छोड़कर, है ना। अस्वर की मात्रा नहीं होती है। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से होता है वो कौन कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? 33 मूल व्यंजन होते हैं। सभी व्यंजनों के उच्चारण में अंत में अध्वनि होती है। जैसे क प्लस अ क, है ना। ये सारे क्या है? व्यंजन है। अब पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे हिंदी में शत्र ज्ञ तथा शार संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनकी मूल पहचान समाप्त हो गई है। जैसे क प्लस श तो श, त प्लस र त्र, ज प्लस इ ज्ञ, श प्लस र श। अब है विकसित व्यंजन। ड और ढ ध्वनियों का निर्माण ड और ढ के नीचे बिंदु लगाकर किया गया है। ये भी व्यंजनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे बड़ा, सड़क, पढ़ना, कपड़ा, घोड़ा, बढ़ना, चढ़ना आदि। अब ये पढ़ेंगे अपन, इन्हें भी जानिए। अरबी फारसी के ज और फ व्यंजनों का भी हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जैसे रोजाना, जमीन, दफ्तर, बेवकूफ आदि। र में ऊ या बड़ा ऊ को किस प्रकार जोड़ा जाता है? र प्लस ऊ रुपया, र प्लस बड़ा ऊ रूप। ऋष ऋषि को ह तथा श में इस प्रकार जोड़ते हैं। ह प्लस ऋष ऋषि ह, श प्लस ऋष ऋषि श। अंग्रेजी भाषा के आ का भी हिंदी में बहुत प्रयोग होने लगा। जैसे डॉक्टर, ऑफिस, कॉलेज, बॉक्स आदि। अब अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे। सही विकल्प पर राइट का निशान लगाइए। क भाषा की छोटी से छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। शब्द कहलाती है? वर्ण कहलाती है। संयुक्त भाषा कहलाती है? वर्ण कहलाती है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है 13, 12, 11 होती है। ख दो व्यंजनों को इस प्रकार मिलाने से कि उनकी मूल पहचान समाप्त हो जाए क्या बनते हैं? संयुक्त व्यंजन। अब सेकेंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। जैसे किताब, तो
तो क प्लस ई प्लस त प्लस आ प्लस ब प्लस अ किताब।